अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स लेक्चर। दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू योर जून टास्क। एज द फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर वन, सॉल्व द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन पार्ट इज ऑफ एडिशन, टू ऐड दीज टू नंबर्स, एंड द सेकेंड वन पार्ट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये दोनों पार्ट्स आपको एज अ होमवर्क मिले जा चुके हैं, एंड होप सो आपने ये अपनी नीट कॉपीज में भी कर ली होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज अवर वर्ड प्रॉब्लम। एंड द वर्ड प्रॉब्लम इज द प्राइस ऑफ अ हाउस इज रुपीज 18,356,420, एंड द प्राइस ऑफ अ शॉप इज रुपीज 35,845,625. What is the total price of a house and a shop altogether? Two different आपके पास prices mention है। एक price बताई गई है house की और second price आपको बताई गई है shop की, and they are asking about the total price। अगर हम shop और house की price को टोटल करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, टोटल प्राइस कितनी बन रही है। तो जैसे आपको मैंने पहले कीवर्ड्स बताए हुए हैं कि एडिशन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें सम आ जाए, ऑल टुगेदर आ जाए, टोटल आ जाए, तो यहाँ पे वर्ड हमारे पास टोटल भी यूज हो रहा है और ऑल टुगेदर भी यूज हो रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हम ले लेंगे यहां से क्वेश्चन के स्टार्ट से, द प्राइस ऑफ अ हाउस। हमारे पास टू प्राइजेस मेंशन है, एक हाउस की और एक शॉप की। इसको हम सेपरेटली इस तरह से यहां पर बता देंगे। फर्स्ट वन हम इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे, प्राइस ऑफ हाउस इक्वल रुपीज। क्या है उसकी प्राइस? 18,356,420। सेकेंड जो हमारे पास प्राइस है वो किसकी है? प्राइस ऑफ शॉप। तो इसकी सेकेंड स्टेटमेंट बन जाएगी, प्राइस ऑफ शॉप इज इक्वल्स रुपीज। क्या प्राइस है? 35,845,625 प्राइस है। हमने इसमें क्या फाइंड करना है? टोटल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट हम बना लेंगे, टोटल प्राइस। आप आगे ये भी लिख सकते हैं, टोटल प्राइस ऑफ हाउस एंड शॉप ऑल टुगेदर। लेकिन हाँ, अगर जितना आप इसको सिंपल बनाएंगे उतना ही अच्छे रहेगा। सो हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं टोटल प्राइस इक्वल क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये हमें अभी तक पता नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। अभी एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को यहाँ पे अरेंज करके लिखेंगे विद द साइन ऑफ एडिशन, प्लस रुपीज 35,845,625। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इसको वर्टिकली लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 18,356,420 प्लस 35,845,625। उसके साथ हाउसेस भी साथ मेंशन कर दें, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हाउसेस हमने मस्ट लिखने होते हैं। मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। अब इन नंबर्स को ऐड करें, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10, 5 plus 1 is 6 and 6 plus 6 is 12, 5 plus 1 is 6 and 6 plus 4 is 10, 8 plus 1 9 and 9 plus 3 is 12, 8 plus 1 is 9 and 9 plus 5 is 14, 3 plus 1 is 4 and 4 plus 1 is 5. सो लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। जब हमारे पास आंसर आ जाता है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन मार्क के साथ, उसको हम अगेन रिपीट करेंगे। टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज, कितनी उन्होंने टोटल प्राइस है इन दोनों हाउस एंड शॉप की मिलके क्या बनी, 54 मिलियन
200, 2000 एंड 45। कॉमर्स भी इधर भी पुट कर लें, यह आपकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन 3 जो लिखा है, कंपेयर द फॉलोइंग पैटर्न, मींस इसको डू एज डायरेक्टेड अपने ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करना है। आपके पास जो सिंबल जो पैटर्न गिवन है उसी को देखते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन है, डैश मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32, एक ब्लैंक मिसिंग नंबर है यहाँ पे, आपने बताना है कि हम इसके साथ कैसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। डैश मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। आप 4 का टेबल पढ़ें, 4 के टेबल से आपको पता चल जाएगा कि 4 के टेबल में 32 कहाँ आता है, 4 8 जा 32, तो ब्लैंक में हम क्या लिख लेंगे, मिसिंग ब्लैंक में 8। नेक्स्ट ब्लैंक है डैश मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 320। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो देखें ये ऑलमोस्ट सेम है, 4 4, 32 32, जस्ट किस चीज का एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है, 0। तो सेम यही चीज आप यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है, कि हमारे पास पैटर्न सेम है, जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 एक इंक्रीज हो रहा है। अब 40 के टेबल में हमने ये देखना है 320 का थ्रू रफर भी सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 320 में आपके पास जो है आंसर 40 के साथ ऐसा हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें। तो देखें 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 0 एंड 8 4 32। तो हमने 40 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 8 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट देखें 8 मल्टीप्लाई 400, सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्या करेंगे 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, 8 0 0 8 0 0 एंड 8 4 32। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3200, हमने ब्लैंक में आंसर लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है डैश डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3। 7 ऐसा कौन सा नंबर जो 7 को डिवाइड करे तो आंसर 3 आ रहा है। इसको एक और टेक्निक से हम कर सकते हैं कि हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 21। देखिए अब 21 अब चेक भी कर सकते हैं आंसर, 21 को हम डिवाइड करते हैं 7 पे, 7 3 21, तो ये 3 आ गया ना, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट आपके पास है 2100 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 300। अब आपने ये बताना है ऐसा कौन सा डिवाइजर होगा जिससे आंसर हमारे पास 300 आएगा, वो डिवाइड किस नंबर को करेगा, 2100 को। तो आप देखें हमारे पास 21 जो है इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, 2100 डिवाइडेड कर लेते हैं इसको। आप देखिए 21 हमारे पास किस किस टेबल में, 7 के टेबल में आ सकता है, तो हम यहाँ 7 लेके चेक करते हैं, 7 3 21, 0 0 एंड ये 20 शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर 300 आ गया ना। किस पे आया है, जब हमने इसको 7 पे डिवाइड किया, मीन कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट आपके पास है 21000 डिवाइडेड बाय 7, जो सिंपल आप डिवीजन कर लें और डिवाइड करके आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो आंसर है वो आता है 3000। या आप डिवीजन हाउस अपने पास बना लें, यहाँ मैं एक रफ वर्क में आपको करके बता देती हूँ। ये देखें 21000 डिवाइड ऑन 7, ठीक है, 7 3 21, और जितने जीरोस बच गए वो आपके पास ऊपर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3000, हमने ये 3000 यहाँ लिख दिया। डैश मल्टीप्लाई बाय 40000 इज इक्वल्स टू 320000। अब 40000 के साथ यानी 4 के साथ हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 32 आंसर आ जाए। तो देखें ये 40000, इसके साथ हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 एंड 4 32, 320000 आंसर आ गया। इट्स मीन हमने 40000 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, यहाँ 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ये आपके पास एक पैटर्न है, 45 40 35 डैश डैश एंड डैश, आगे 3 ब्लैंक्स एम्प्टी हैं। इसको देखें ये आपके पास एक पैटर्न बन रहा है, विच पैटर्न,
डिक्रीजिंग पैटर्न, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन इस डिसेंडिंग ऑर्डर एक खास पैटर्न, एक खास उस पर जा रहा है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना हर एक नंबर के दरमियान, वो आप नोट करें तो देखें 5-5 नंबर्स का डिफरेंस है, 45 है, फिर 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, कम हो रहा है नंबर जो आपके पास पहले बड़ा था फिर छोटा कम हो रहा है, कितने कितने नंबर्स कम हो रहे हैं, 5-5 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन कि आपके पास अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा इसमें से मजीद हम 5 नंबर्स कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, 5 नंबर्स अगेन कम करें 25, 5 नंबर्स और कम करें 20, ये आपके पास एक तरह से बैकवर्ड 5 का टेबल भी बन रहा है। 9s are 45, 8s are 40, 7s are 35, 6s are 35, 5s are 25, and 5s are 24. ये देखें नेक्स्ट वाला 3, 6, 9, ये भी आपके पास पैटर्न है बट इंक्रीजिंग पैटर्न है, और इंक्रीजिंग पैटर्न में आपके पास जो डिफरेंस इन नंबर्स में आ रहा है कितने डिजिट्स का आ रहा है, 3 नंबर्स का। देखिए 3 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, and 15 plus 3 is 18. ये इस तरह से आप ब्लैंक फिल कर लेंगे अपने पैटर्न की। अब आपने ये बताना है लास्ट वाला, देखिए 8 multiplied by dash is equals to 33,200। तो आप इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करके देखें, चेक करें, इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर, जो सेंट्रल वाला जब आपके पास मिसिंग हो ना तो उसको आप डिविजन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। देखें इस तरह से डिवाइड्स ऑन 8, 8 4s are 32, जीरो से रह के ऊपर आ गए 400, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप देखिए अगेन चेक कर लें, आपके पास आंसर ये आएगा 400s are 3,200। आई होप गर्ल्स आपको ये टास्क समझ आया होगा। फर्स्ट टू क्वेश्चन आप होमवर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 जो हमने वर्ड प्रॉब्लम और जो कंपेयर द फॉलोइंग पैटर्न ये क्वेश्चन हमने किए हैं, ये अब आपका नेक्स्ट होमवर्क है, आपने इसको अपनी नीट कॉपीज में करना है। थैंक यू गर्ल्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।